हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। अभी यूपी की तरफ से बहुत यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है इसके पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 21 तारीख से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 2022 का भर्ती है। तो यह जो भर्ती है आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट तो निकल चुका था लेकिन एडमिट कार्ड वगैरह नहीं था कि आखिरकार होगा किस डेट को किसका होने वाला था, ये किसी को कंफर्म नहीं था। अब यह कंफर्म हो गया है कि किस डेट को किसका होगा, ये चेक कर लेंगे आप कैसे चेक करना है कहाँ। और सबसे सबसे बड़ी बात इसमें हम ये बताने वाले हैं कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना अनिवार्य है, अगर नत्ता नहीं ले जाते हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छट जाएंगे, तो वही जी बात है कि भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर सबसे बड़ा चीज है यूपी में बाबा का राज है, बाबा जी का राज है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत मैंने गहनता से जांच होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाबा जी का जानते ही हैं कि थोड़ा सा भी दिक्कत में पकड़े गए तो डायरेक्ट क्या होगा, कुर्ती जब्ती होगा। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है आज 14/8/2024 के डेट में जो है विज्ञापन जारी हो गया है, 02/2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा। तो इसका देख सकते हैं हम लोग क्या है क्या है, एक बार डाउनलोड करते हैं इसको। ये डाउनलोड होता है तब तक ये हमारा नोटिफिकेशन खुल के आ गया कि जो है, एक सेकंड थोड़ा सा आपको आप दिखने लगा होगा साफ साफ, अभी आप सभी को साफ साफ दिखने लगा होगा, देख सकते हैं है ना, आप सभी को यह दिखने लगा होता। अब ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, देखिए दिनांक आज का डेट है 14/8/2024 का है। आवश्यक सूचना किसके तरफ से है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। सर बार 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 आप क्या बताएं आपको, यहाँ देख सकते हैं कि जो है आपको भी मालूम था कि 2406 पदों पर बहाली हुई थी, 3318 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास किया था, इनका जो है अर्हता अभिलेख होने वाला है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 3318 छात्र कितने तारीख से 21/8/2024 से होने वाला है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास दिया गया है, देखिए यहाँ पे उत्तर उक्त के क्रम में विज्ञापन संख्या 02/2022 के अनुदेशक मुख्य परीक्षा ये जो है अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक की कुल 2406 पदों के सापेक्ष 3318 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण उत्तर प्रदेश। देखिए कहाँ होगा यह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ होने वाला है, तो वह जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। तो यह जो है गोमती नगर जो है गोमती नगर लखनऊ में यह होने वाला है। अब आपका डेट कितने तारीख को है तो आपको कैसे मालूम चलेगा, तो आपको जो है आपको मेल गया होगा या आपको मैसेज के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी जो है मैसेज चला गया होगा कि कितने तारीख को है जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। पहली पाली जो है 10 बजे से होने वाला है और दूसरी पाली जो है 1:30 बजे से होगा। देखिए कितने कितना डेट दिया गया है, लगभग इसमें डेट की बात की जाए यहाँ अगर कलम देखा जाए तो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त 2024, फिर 22, 23, 24, 25 बीच में गैप है, 26 गैप है, 27, 28, 29, 30, 31 लगातार है, उसके बाद 1 तारीख को गैप है, संडे होगा हो सके तो, और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब एक दिन में कितने बच्चों का हो रहा है, एक पाली में 60, 60, 120 टोटल 120 बच्चों का जो है एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपका किस तारीख को है ये आपको मेल या मैसेज के माध्यम से पता चल रहा है। लास्ट जो है लास्ट अगर देखा जाए तो यहाँ जो है 13/9 से बाद भी है, देखे थे हम 13/9 के बाद भी है, 13/9 को है और लास्ट यहाँ देखिए कितने तारीख को है, लास्ट मतलब कहने का अर्थ है कि तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत लंबा चल रहा है यूपी इंस्ट्रक्टर का, तो यहाँ 25/9/2024 तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, पहला पाली में 60 और 18 अनुपस्थित अभ्यर्थी, पता नहीं 18
एवं अनुपस्थित अभ्यर्थी। अनुपस्थित अभ्यर्थी आप सोच रहे हैं कि वह कौन सा अभ्यर्थी है, मतलब क्या एग्जाम में अनुपस्थित थे? नहीं, एग्जाम में अनुपस्थित नहीं थे, मतलब जो डेट दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उसमें जो विद्यार्थी छात्र उपलब्ध नहीं हो पाए किसी कारणवश, वो इस समय में जो है उपलब्ध हो सकते हैं। वो कैसे उपलब्ध होंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान सुनिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो नोटिस निकल के आया है बच्चों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक साबित हो रहा है, बच्चों के फेवर में है। या यही बात किया जाए बिहार इंस्ट्रक्टर बीटीएससी के, तो एक एक लेटर गलत होने पर तुरंत उसे बाहर कर दिया जा रहा है और किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, केवल बहाना ढूंढना है, ये समझिए। अब देखिए इस लेटर में क्या लिखा गया है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर वरीयता प्रपत्र व अन्य चार प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु चार पन्ने का लेटर है जो कि डॉक्यूमेंट के जो है वेबसाइट पर यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे जो है लेके आना है आपको, क्या है उसे लेके आना है, आपको लेके जाना है। अब यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेख हो, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं देखिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा हूं, अब दिख रहा होगा, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। देखिए कहां थे, आयु से संबंधित समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान एवं गहनता देखिए यहाँ दिखा गया मिलान एवं गहनता से परीक्षण किया जाएगा। देखिए इसमें पूरा फुल नोटिस में यही लिखा गया है कि जो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी के साइट पर जो भी है चार पढ़ने का लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो यूपी ट्रिपल एससी के साइट से जो है आपको अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, अगर आपको आयु वगैरह में छूट चाहिए तो आपका जो भी है ओबीसी हो, जो भी है यूपी के जो बने हुए है आरक्षण वाले, जो आपके पास आयु बना हो ओबीसी बना हो, अगर ओबीसी लेना चाहते हो ओबीसी एससी एसटी तो एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू, जो भी आप अगर आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जब पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। अब वहां जो है दो रंगीन फोटो भी ले जाना है, ठीक है। उसके बाद सभी का छाया प्रति लिखा गया है सभी डॉक्यूमेंट का, लेकिन कितना कितना है ये नहीं लिखा गया। देखिए और पूरा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ लिखा गया है, देखिएगा पूरा में जो है आपके साथ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति और उनकी स्वहस्त छाया प्रति अवश्य लेकर आए। मतलब आधार कार्ड ले लें और उसमें जो है आपका सिग्नेचर भी होना जरूरी है, सिग्नेचर मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड वहीं पर कर लीजिएगा जैसा जरूरत होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ जो लिखा गया आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थिति रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप से अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25/9/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग के कार्यालय में दी जाती है तो समक्ष स्तर से अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 25/9/2024 की द्वितीय पाली अहर्ता मतलब 1:30 बजे अपराह्न 1:30 मतलब 1:30 बजे अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
तो यह जो है यूपी पीपल एससी के तरफ से बहुत अच्छा मतलब अच्छा सराहनीय कदम है कि मान लीजिए उतने डेट में अगर कोई लड़का किसी के पास अचानक इमरजेंसी आ जाता है, तो कभी कभी होता है कि वो लड़का डॉक्यूमेंट मतलब बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए भी मौका दे रही है सरकार, करे कि इतने दिन के अंदर में अगर आपने लेटर भेज दिया विभाग को कि हाँ हम इस कारण सही कारण बताया तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा मतलब कदम है यूपी की पॉलिसी का, इसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए, नहीं तो बीटीएससी की तरह भागा भागा के किसी तरह छाटिए बस यही गेम चल रहा है बीटीएससी में, है ना। तो अगर जिनका भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम है कमेंट में जरूर लिखिए आपका ट्रेड कौन सा है, नंबर कितना आ रहा है आपका। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए